ये जो शाहरुख खान का वलीमा हुआ था जी जी उस वो हमने ही बनाया था। हकीम बावर्ची के खानों की क्या बात है, पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है, हर कोई इनका खाना पसंद करता है शादियों में दावतों में। देखो जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे ये सारा लगा हुआ है तंदूरी चिकन, पीछे लॉलीपॉप और फिश फ्राई हो रही है। ये लगा हुआ है बटर चिकन, आप इस देग में देख रहे होगे कोयला डला हुआ है, वो डला हुआ है स्मोकी फ्लेवर के लिए ताकि चिकन में अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। ये जैसे आप देख रहे हो ये है मटन बिरयानी के लिए यखनी लगा हुआ गोश्त, क्या सुर पिंक हुआ हुआ है, मज़ा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात जी, ये है चिकन लॉलीपॉप जो यासिन भाई ने फ्राई की हुई है, बहुत शानदार सी की हुई है। तो गरम गरम मसालेदार। देखिए जी ये हो रही है पूरी तैयारी, जो सेटअप लगाया जा रहा है मेन एंट्री का, तो अभी अंदर की भी हमने तैयारी देखी, ये बाहर हो रहा है। जैसे यहाँ पे सारे फ्लावर लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, कलियाँ लग रही हैं, गेट बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरे इस जगह पे काम हो रहा है, पंडाल आप देखो कितना बड़ा अभी सजाया जा रहा है, काम हो रहा है। और यहाँ से हम चलते हैं अब इस बिज़ी माहौल में, पता नहीं मैं इंट्रो शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, अभी मुझे ख़ुद को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत थका देने वाला दिन है। तो मैं इस वक्त हूँ अजमल खां पार्क करोल बाग में, हमारी पुरानी दिल्ली की शादी है, वलीमे का फंक्शन है। भाई मटन आ गया है सारा, दूर तक आपको देगे दिख रहे होंगी, वहाँ पे नहारी की डली हुई हैं और ये सारी देगे ऐसे चलती हुई आ रही हैं। और ये आ गया है विक्रम, इसमें से भी सारी देगे उतर रही हैं। तो आज जो है हमारे पास लगभग 100 के बराबर देगे हैं जिनमें खाना बनने जा रहा है, सारी तांबे की कॉपर की हकीम बावर्ची की देगे हैं सारी। ये पैकेट खोले जा रहे हैं नहारी के गोश्त के, नहारी को पकने में टाइम लगेगा 6 से 8 घंटे, तो नहारी की तैयारी हो रही है, गोश्त डाला जा रहा है नहारी का। ये आप देख रहे हो सारा अदला दिख रहा है यहाँ से, पहली आइटम नहारी रख दी है क्योंकि 8-1 घंटे चाहिए नहारी को पकने के लिए। यहाँ पे नहारी का गोश्त डाल दिया गया है, नहारी का मसाला ऐड कर दिया है, ये सारी देगे लगी है नहारी की, और ये जो आप लाइन से देख रहे हो ये सब नहारी की देगे हैं। अब इसमें लाल मिर्च डल रही है, नहारी का मसाला डल चुका है, लाल मिर्च, तेल और पानी। फैजान भाई टोटल देगे कितनी है अपनी? तकरीबन 80 देगे भाई जान, लगभग 80 तकरीबन 28 देगे कोरमे की हैं, 8 देगे नहारी की हैं, 8 देगे नहारी की हैं और 40 देगे तकरीबन बिरयानी की हैं, 7 देगे बटर चिकन की हैं, 7 देगे चिकन दो प्याजे की हैं,
देखिए फैज़ान भाई अभी बिजी हैं, अपने हाथ से ही सारा काम निपटा रहे हैं क्योंकि फंक्शन बड़ा है। तो अभी जब फैज़ान भाई थोड़े से फ्री हो जाएंगे, इनसे प्रॉपर बात हम तब करेंगे, जब तक इन्हें काम करने देते हैं। एजाज भाई, ये जो हाथ में मसाला है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है अभी? ये चिकन मुगलाई कौरमे की तैयारी हो रही है। चिकन कौरमे की तैयारी हो रही है, ठीक है जी। तो क्या डाल रहे हैं आप? ये धनिया डाल रहे हैं हम। धनिया डालने जा रहा है जी। देखिए दही डल चुकी है कौरमे के अंदर, और ये जा रहा है धनिया। यहाँ पे जितना इंतज़ाम देख रहे हैं उसमें से एक अनस भाई भी हैं हमारे, और अनस भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और आज बहुत मज़ा आने वाला है। अनस भाई से आप बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों को भी बहुत वीडियो पसंद आने वाली है। तो चलिए, जो रोटी बना रहे हैं सारा शकील भाई हैं, ठेकेदार, इनसे जानते हो। शकील भाई, किस किस टाइप की रोटी है हमारी, थोड़ा अपडेट दो। यहाँ तो हो गई रोटी की बात, डिस्को रोटी देखेंगे। जो इन्होंने डिस्को रोटी बताई, थोड़ा मुझे भी नाम कुछ अलग ही लग रहा है, तो हंस रहा है शकील भाई। देखिए जी, ये आ गया एक बल्ब वाला लच्छा पराठा, घी लगाओ, घी लगा कर आ रहा है। ये लो जी, जो कितना बेहतरीन गरम गरम लच्छा पराठा है, जवाब नहीं, बहुत ही शानदार लग रहा है ये लच्छा पराठा। और जो आपने बताई थी डिस्को रोटी, वो कहाँ है? ये एक तरीके का नान है जिसपे ब्लैक और सफ़ेद तिल लगे हुए हैं। किशमिश, चिरौंजी, इसमें दोनों। अच्छा, किशमिश है, चिरौंजी है, और तिल है। तिल है। ये बन रहा है शीरमाल, हम जिसे पुरानी दिल्ली में लाल रोटी भी बोलते हैं। ये देखो जी, ये देसी घी के अंदर लथपथ होकर आ गई है। तो देखिए, ये चिकन लेग पीस रखे हुए हैं रोस्टेड के लिए, कट लगा के यहाँ पे डाला जा रहा है टपो के अंदर, और यहाँ से मेरीनेट होने जा रहा है। चिकन बर्रा के अंदर जो है मसाला लगा रहा है, ये गया मसाला इसमें, बिल्कुल लाल स्पाइसी रेड कलर का मसाला है। ये गया इसका ऑयल, एक अपना अंदाज़ा होता है। अब इसको जो है मिक्स किया जा रहा है खूब अच्छे से। और इमरान भाई बताइए, आज क्या क्या लगा रहे हैं आप यहाँ पे? आज लगा रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह चिकन, चिकन टिक्का है, चिकन मलाई टिक्का है, और सबसे स्पेशल है चिकन बर्रा। चिकन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, चिकन बर्रा। तो कितने किलो चिकन है आपका, थोड़ा बताइए? 500 किलो चिकन बर्रा है, और 400 किलो मलाई टिक्का है, 200 किलो चिकन टिक्का है, और 100 किलो मटन बर्रा है। तो लगभग 1000 किलो आपके पास ही है? 1300 किलो इमरान भाई बना रहे हैं। अच्छा, राने भी हैं? ये देखो, ये तंदूर के अंदर जो है चिकन लेग पीस लगाए जा रहे हैं। ये जैसे हमने दोपहर में देखा था तो यहाँ पे बिल्कुल खाली था, और अब जो है यहाँ पे सारा चेयर वगैरह लग हो गई है चालू, और ये सैलेड का काउंटर वगैरह प्लेटें सब लग गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी लुक में आता जा रहा है ये। स्टार्टिंग में आइसक्रीम, और ये जैसे आप देख रहे हो सारा फ्रूट सैलेड लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है गोलगप्पों के लिए अलग अलग किस्म का पानी, खट्टा मीठा हिंग वाला। ये चौमिन, चौमिन, बच्चे शादी में चौमिन ना खाएं तो शादी अधूरी लगती है बच्चों को, नहीं? यहाँ पे लगी हुई है 600 किलो लॉलीपॉप जिसके अंदर मसाला लगाया जा रहा है। देखो जी, ये जो आप ग्रेवी देख रहे हो रेड टमाटो की, ये बटर चिकन की ग्रेवी है सारी, और ये सारी ग्रेवी तैयार हो गई है, और ये बटर चिकन का चिकन रखा हुआ है सारा। मैं आपको दिखाऊं तो 6-1 देख गए बटर चिकन की है, और इनके अंदर बीच में अभी हमने देखा था कोयला डाला हुआ था स्मोकी फ्लेवर के लिए, और ये लाली भाई जो है इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रहे हैं बटर चिकन के अंदर। ये बटर चिकन में हरी मिर्चें डाली जा रही हैं, और ये आ गई है टमाटर की ग्रेवी, जो बटर चिकन की ग्रेवी होती है, ये डाली जा रही है ग्रेवी इसके अंदर। देखो जी, फैज़ान भाई को और मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला है बात करने के लिए, नहीं? फैज़ान भाई भी जिसे बोलते हैं ना, एक टांग पे खड़े होके काम में लगे पड़े हुए हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि बस
पानी वानी सब भूले हुए हैं, अभी शाम का टाइम हुआ है तो सोचा एक ब्रेक चाय का लिया जाए, तो बात कर रहे हैं हम लोग। ये होते हैं माहिर कारीगर, एक एक देख को खोल के चेक कर रहे हैं दम पे लगी हुई है कोयलों में। तो लाली भाई ये जो आप चेक कर रहे हैं ये क्या है, कोरमा है या? कोरमा ही है सब, सब मटन कोरमे की देख रहे हैं ये वाली। तो मैं आपको बता दूं जो लोग अभी नमक वगैरह देख रहा होता है इसका जी, बॉडी देख रही होती है गली नहीं गली, आपके हाथ से तो माशाल्लाह कुछ गुजर ही नहीं सकता। ये देखिए ये मटन की चांपे हैं। ये क्या हिल रहा है? हाँ जी ये पेट हिल लिया है, खाना खा के भूख लग रही है इनको, भूख के मारे बिल बिला रही है इनका पेट। ये एक देख पूरी खा जाएंगे, ये एक देख पता भी नहीं चलेगी इनके पेट में। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। देखिए जी अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ VIPs का रहेगा, सब VIPs के लिए हैं और काफ़ी सेपरेट बनाया हुआ है, यहाँ पर भी हर चीज़ अवेलेबल रहेगी। जो लेबर रहेगी, जो काम करने वाले हैं, खाना सर्व करने वाले हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है, सारे आए लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए जी एक नज़र करा देता हूँ, यहाँ पे रहेगा फ्रूट सैलेड और ये हमारा पुरानी दिल्ली की शान लाल किला, रेड फोर्ट बना हुआ है। इधर पान रहेंगे बाबू, और देखो जी ये लगा हुआ है आइसक्रीम पार्लर जहाँ पर आइसक्रीम मिलेगी, बच्चे बड़े सभी खाएँगे, और यहाँ पे लगा हुआ है कॉफ़ी का काउंटर। देखो जी ये जो सामने दो कढ़ाइयाँ लगी हैं, टिक्का लगा हुआ है और फिश फ्राई हो रही है, और ये तंदूर जो लगे हुए हैं, और ये है मटन रान, सारा मसाला लगा के जो है बढ़िया से रख दिया है। तो इमरान भाई ये बॉयल हुई हुई है या ऐसे ही डायरेक्ट सीखेगी? बिना बॉयल हुई हुई डायरेक्ट सीखेगी, मज़ा ही अलग आएगा उसका। नहीं जो मसाला लगा के रखा हुआ है, तो इमरान भाई ये फ्राई होगा या अपना ग्रिल रहेगा सारा मटन बर्रा? अच्छा ये ग्रिल रहेगा। मटन बर्रा भी दिखाया है, चिकन टिक्का, चिकन बर्रा भी है और चिकन मलाई टिक्का भी है। बहुत सारी लॉलीपॉप है और 700 किलो के पास लॉलीपॉप है जो बहुत बड़े काउंटर के ऊपर फैली हुई है। बहुत दूर तक आप देखें तो सारी चिकन लॉलीपॉप ही लगी हुई है। अच्छा इमरान भाई बताइए मुझे कि लॉलीपॉप हाफ डन सारी हो गई है? जी बिल्कुल सारी कंप्लीट हो गई है। ये फिश पे मसाला लगा के रख दिया है सारा, बहुत शानदार तरीके से फिंगर फिश है, और यहाँ पे ये कढ़ाई के अंदर फिश फ्राई हो रही है। आप देखिए कितनी बढ़िया से गोल्डन करके फ्राई की जा रही है, और हाफ डन करने के बाद यहाँ पे लगाई जा रही है फिश। आप देखिए दूर तक आपको फिश मिलेगी, ये 200 किलो फिश है। तो शायद भाई अब कैसा लग रहा है सब कुछ होने सब के बाद? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और प्रोग्राम भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। हाँ मटन बिरयानी की तैयारी हो रही है। हाँ जी ये जैसे आप देख रहे हो ये है मटन बिरयानी के लिए यखनी लगा हुआ गोश्त, क्या सुर्ख पिंक हुआ हुआ है, मज़ा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात हो गई। यहाँ पे बिरयानी का चावल लगाया हुआ है बॉईल करने के लिए, और यहाँ से निकालने के बाद जो है इसमें डाला जाता है, पानी को छाना जाता है।
देखिए सुबह 11 बजे से अब टाइम हो गया है शाम के 7 बज गए हैं। दो टी शर्टें मेरी ख़राब हो चुकी हैं पसीनों में और कुछ छींटे आ गई हैं मसालों की तेल की, और अभी तक मैं चेंज करने भी नहीं गया हूँ। तो बस 10 मिनट के लिए एक ब्रेक लूँगा, फटाफट जाऊँगा और चेंज करके आऊँगा। कर आ गया हूँ घर से कपड़े पहन के। आप देखिए मेरे पीछे सारा धुआं उठ रहा है, इधर बन रहे हैं कबाब, आप इस साइड पे देखिए, और इस साइड पे जैसे देख रहे हैं ये सब टिक्का रखा हुआ है, जो ये बताए थे 800 लेग पीस हैं, और उस साइड पे जो है चिकन लॉलीपॉप रखी हुई है, और यहाँ पे सिक रहे हैं कबाब। क्या बात है जी, फ्राई लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार माहौल है यहाँ का, ज़बरदस्त। सुबह से हमने देखा और अब जो है ये पूरे अपनी शक्ल में आ चुका है, और दरबान वगैरह खड़े हो गए हैं सब, और ऐसा कुछ माहौल है अंदर का। भाई ने इतनी मोहब्बत से चाय बना के दी है कुल्लड़ वाली, तो पीना तो बनता है, भले ही एक घूंट सही। ये देखिए जी, ये निकल के जा रहा है मटन कोरमा, बहुत ही बढ़िया जी, गल रहा है बटर चिकन। और वो गया चिकन कोरमा। मलाई टिक्का, और ये लगा हुआ है चिकन टिक्का मसाले वाला, और ये है ग्रीन चटनी जो इस्तेमाल हो रही है। दो साल बाद कोरोना की वजह से शादी का खाना खा रहे हो? चलो मजा देख रहे हैं ये मटन फाइनली। वाह जी वाह, माशाल्लाह, ये है हमारी मटन बिरयानी, क्या बात है। और इसके आगे फैजान भाई, इसके आगे है नहारी हमारी, मटन नहारी, मटन की नहारी, और नहारी हो हकीम जी के यहाँ की, तो क्या बात है जी। अदरक और हरी मिर्च डली हुई है इसके ऊपर। ये चिकन कोरमा, और ये है चिकन कोरमा। वाह जी वाह, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। और इसके आगे है बटर चिकन। वाह जी, आप बटर चिकन की रंगत देखिए कितनी शानदार है, ऊपर से क्रीम और अमूल बटर डला हुआ है हरी मिर्च और अदरक के साथ, बहुत बढ़िया जी। चिकन दो प्याज़ा। वाह जी वाह, ये देखिए ये है सिरके वाली प्याज ऊपर से डली हुई है, और ये है चिकन दो प्याज़ा। वाह जी वाह, और इसके आगे हम आएंगे मटन कोरमा। वाह जी वाह, खुशबू सुभान अल्लाह, लाजवाब खुशबू आ रही है, और ये है मटन कोरमा। चलिए मैं भी अपने लिए एक प्लेट ले लेता हूँ, एक प्लेट दीजिएगा, थैंक यू। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है बिरयानी के अंदर से, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। बकरे के गोश्त का जो एक्चुअल मज़ा होता है वो सारा मज़ा आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल सौंधा सौंधापन। इसमें ऊपर से डालेंगे हम अदरक, जो थोड़ा सा बादी भी काटेगी, और कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसी हरी मिर्च। तो ये फैजान भाई ने नहारी का गोश्त भी ऐसा किया हुआ है ना, आप लबों से चबा लो, इतना मुलायम और सॉफ्ट फैजान में, मज़ा आ गया। तो जी मैं आपको मटन कोरमा दिखाऊं, तो ये देखिए मैंने नली निकाली, और एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए आप, ओहो ये है सीन भाई, कितना ज़बरदस्त कि बस आपने हाथ भी नहीं लगाया और वो निकल गया। ये देखिए जी, वेलको, बहुत ही बढ़िया पिंक हुआ हुआ है अंदर से, ताज़ा गोश्त और एक अच्छी नस्ल का बकरे का,
इसमें थोड़ा सा हलवा डालना गाजर का। देखो जी गुलाब जामुन के अंदर थोड़ा सा गाजर का हलवा और मीठा। वाह जी वाह। ये हैं भाई जीशान, आपने बहुत वीडियो में देखा होगा, जुबैर गाजीपुर मंडी वाली वीडियो में, और भाई तनवीर को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इससे पहले एक शॉट था इनका, और आज हमारी बहन का वलीमा है, जुबैर भाई की बहन का, तो हम लोग उसी की तैयारी में लगे थे जो आप ये ब्लॉग देख रहे हो। हाँ जी सही है ना साहब। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हम एंड करते हैं। चैन और सुकून का सांस लिया है कि जी अब खाना सबको लग गया, और माशाल्लाह खाना बहुत पसंद आ रहा है सबको, सब दबा के खा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से खा रहे हैं, और सुभान अल्लाह जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। दो शागिर्द कैनेडा में हैं, 10-12 जो हैं जापान में हैं, और लंदन में हैं, 3-4 लंदन में हैं, सऊदी में तो बेहिसाब हैं। अच्छा जी जी। और दिल्ली में भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी शागिर्द हैं मेरे। तो ये देखिए मेरठ में भी हैं, हापुड़ में भी शागिर्द हैं मेरे, ऐसी बात नहीं। इंडिया तो इंडिया, जापान में, लंदन में, सऊदीया में, कनाडा में, हर जगह शागिरद मिलेंगे आपको लाली भाई के। और आपने तो माशाल्लाह काफ़ी स्टार के लिए खाना बनाया है काफ़ी, थोड़ा बताइए किन के लिए बनाया हुआ है आपने? ये जो शाहरुख खान का वलीमा हुआ था जी जी, उस वो हमने ही बनाया था। अच्छा जी। सफदरजंग इनके मकबरे, सफदरजंग मकबरा है ना जी जी जी, वहाँ पर उनके होते हैं मामू जी, शाहरुख खान के मामू जी जी जी, उनके यहाँ उन्होंने बनवाया था। क्या बात है, चलिए शुक्रिया, चलिए अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह भाई आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ये लो मटर को।